देखिए हमारे थंबनेल पर जाए तो नथिंग रिड्यूस इन सिलेबस, इसका मतलब क्या था आप अच्छे से समझिए। आप समझ रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएगा और भी ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कहाँ करना पड़ेगा इस बात को समझ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, क्वेश्चन ज्यादा आएगा तो आपका टाइमिंग थोड़ा ज्यादा लग सकता है, सिलेबस तो रिड्यूस हो गया। इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए और आपको पता चल जाएगा नोटिस। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, थंबनेल से ही आपको नीट 2024 नथिंग चेंज इन सिलेबस सब बेकूफ बना रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है इस वीडियो में आज आपको हम बताने वाले हैं। तो आपको कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका ये 5-7 मिनट का आज का सेशन होगा, इसमें सारे कुछ क्लियर कर देंगे। NMC की तरफ से क्या अपडेट आया है, क्या सिलेबस रहेगा, न्यू NCERT फॉलो करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी बात है जो आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आप सिलेबस अभी तक देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि न्यू NCERT में नहीं है और ओल्ड NCERT में भी नहीं है, लेकिन NMC के द्वारा जो अपडेट सिलेबस आया है उसमें है। तो ये सारा कन्फ्यूजन को आज हम आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो का थंबनेल जो था उससे आपको पता चलेगा नथिंग चेंज इन सिलेबस। तो चलिए हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं इस बात को। तो देखिए पहले जो नोटिस आया, नोटिस आपको हम पढ़ के दिखा देते हैं नोटिस क्या आया आप लोग के लिए। देखिए नोटिस जो आया है NMC के द्वारा नोटिस क्या आया, नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जो नोटिस आया, नोटिस ये आया है पब्लिक नोटिस, और ये नोटिस कल ही आया है। देखिए 6/10/2023 को ये नोटिस आया है। नोटिस में क्लियर किया आपको पढ़ के देखा, इट इज़ नोटिस ऑल दी स्टेक होल्डर स्पेशली टू दी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स दी अंडर दी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर दी नेशनल मेडिकल कमीशन हैज फाइनलाइज दी नीट UG 2024 सिलेबस। यही बोल रहा है नोटिस आप लोग को जो दिया है कि नीट 2024 का सिलेबस क्लियर हो गया, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा नीट 2024 में। और चलिए इसी में देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा और कुछ पॉइंट से आपको हम समझाते हैं। देखिए आपको बता देते हैं NMC क्या है, NTA क्या है, इस बात को पहले आप लोग समझ लीजिए। NMC क्या है, NMC जो है एक सिलेबस डिसाइडिंग बॉडी है, और NTA क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। कैसे, देखिए आप लोग देखते आ रहे हैं, जैसे 2023 का बात करें तो एग्जाम हमारा कौन किया था, टेस्टिंग एजेंसी कौन था, NTA था। NTA हमारा एग्जाम किया था, क्वेश्चन बनाया था। और NMC क्या था, NMC पिछले साल भी NMC ही सिलेबस को डिसाइड किया था, सिलेबस दिया था, सिलेबस कंडक्टिंग एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ये नहीं है, NTA एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। इस बार जो मेनली कन्फ्यूजन चल रहा है, एग्जाम कौन लेगा, इस बात का भी अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। एम्स बनाएगी क्वेश्चन की, NTA बनाएगी, लेकिन सिलेबस जो है NMC जारी कर दिया। और सिलेबस जो जारी किया, सिलेबस में मेन कन्फ्यूज बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं कि जो कि न्यू NCERT में नहीं है, ओल्ड NCERT में भी नहीं है टॉपिक्स, लेकिन वो सिलेबस में है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपको हम बताते हैं कौन कौन सा ये है, आप भी देखे होंगे तो आपको भी समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, जो सिलेबस डिसाइड हुआ है NMC के द्वारा, जो सिलेबस आया बायोलॉजी का कुछ चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें जो व्हाट इज लिविंग, ये न्यू NCERT में नहीं है लेकिन सिलेबस में आ गया। तो यहाँ से कन्फ्यूजन जो तुम्हारे साथ हो रहा होगा, हम न्यू NCERT पढ़े कि ओल्ड NCERT पढ़े, तो ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। ये सिलेबस में चेंजिंग होगा, मेजर चेंजिंग होगा, इसको मेजर एरर भी कह सकते हैं कि ये एरर है। ये न्यू सिलेबस जो आएगा फिर से, जो NMC अपडेट करेगी 1-2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा ये भी अपडेट। तो मेनली जो हमारा आपको कहने का मकसद है कि आप ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए एक बात छोटा सा और भी इसमें मेजर एरर है वो भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। चलिए आपका अभी 97 आ रहा, मान लेते हैं 97 आ रहा, रिड्यूस होकर 79 हो गया। आप मान के चलिए आज से 3 महीना के बाद आप अच्छे से तैयारी किए, 97 पढ़ लिए, और आपको ये भी पता जो चैप्टर रिड्यूस हो रहा है वो रटोमल चैप्टर है बायोलॉजी का, उसमें कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यदि आप 97 पढ़ लिए और बाद में आपको पता चला कि 18 हट गया, तो आपको कोई किसी तरह का इशू ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी से आप इस बात में कन्फ्यूजन रहे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट हो जाएगा उस टाइम में। और ये समय एक एक मिनट एक एक सेकेंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज आपको हम पूरा क्लियर कर देते हैं
कि मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे पढ़ाई करना है फोकस करके, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात पर उतनी ध्यान नहीं देना आपको। आपको सिलेबस पता चल गया, कुछ चैप्टर को रिड्यूस किया गया, जो चैप्टर को रिड्यूस किया गया वो कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है, जो कि रटूमल चैप्टर है उसका कोई भी ज़्यादा मैटर नहीं है। आपको इस बात से पता चल गया होगा, आप जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस बनेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, इस तरह का कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। आप लोग इतना कन्फ्यूज हो गए, इतना डर गए कि आप लोग हर कोई जाके गूगल पे सर्च कर रहे हैं, NMC के वेबसाइट पे इतना सर्च किया आप लोग कि क्रैश कर गया NMC की वेबसाइट, कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो इतना भी ज़्यादा आपको फजल नहीं होना, बस आपको फोकस करना है अपनी तैयारी पे, अपना कंटिन्यूसली मेहनत करना। यदि मेहनत आज आप कीजिएगा तो आपको फल ज़रूर मिलेगा और आपका एक मेडिकल कॉलेज में सीट आपका ज़रूर ही फिक्स हो जाएगा। तो चलिए और दिखाते हैं आपको दूसरा मेजर इरर जो है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। मेजर इरर जो है मॉर्फोलॉजी में जो है कुछ फैमिली को इंट्रोड्यूस कर गया, ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर जो इसमें कुछ फैमिली को इंट्रोड्यूस कर गया जो कि ना न्यू NCERT में ना ओल्ड NCERT में, कुछ फैमिली को इंट्रोड्यूस करिए, चार फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दिया गया सिलेबस में, ना कि ये ओल्ड NCERT में ना कि न्यू NCERT में, ये मेजर इरर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। ये सब चीज़ से ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, पजल नहीं होना, बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हम ये बता दिए हैं, लेकिन आपको मेनली जो है न्यू NCERT को ही फॉलो करना है, इस बात को ध्यान रखना है। और एक मेजर चेंजेज जो है फ्रॉग जो है इंसेक्ट वाला में दे दिया, तो ये भी मेजर इरर है, इसको भी हटा दिया जाएगा, कोई भी बड़ा बात नहीं है। NMC की तरफ से फिर एक अपडेट सिलेबस अपडेट कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी ही आ जाएगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको बहुत सारे का वीडियो देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना, मेनली आपका एक ही फोकस बना के रखना, तैयारी अच्छे से करना है और जितना हो सके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट होता चला जाइएगा और एग्जाम में आप अच्छे कर पाइएगा और आपका जो सपना है एक मेडिकल कॉलेज में सीट वो आपको मिल पाएगा। और ये सब बातों में आप यदि उलझ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ज़्यादा उलझने की बात नहीं करनी है, आपको तैयारी पे ध्यान देना। आपको जैसे कि मैंने बता दिया कि देखिए कुछ चैप्टर रिड्यूस हो जाएगा तो ज़्यादा मैटर नहीं रहेगा, लेकिन आप यदि तैयारी करके रहेंगे, यदि लास्ट टाइम में भी कुछ चैप्टर रिड्यूस कर जाता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप चैप्टर छोड़ देते हैं फिर NMC की तरफ से कोई न्यूज आ जाता है तो फिर उस समय आप टेंशन में चले जाएगा, आपको उतना ध्यान नहीं देना, आपको बस अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देना, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। यही अपडेट था NMC के तरफ से, और कुछ भी नया अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आपको इन्फॉर्मेशन लगा होगा इसमें कुछ वीडियो में तो आप लाइक करें, कमेंट करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप अपने फैमिली में कोई भी नीट का तैयारी कर रहा उसको इस चैनल को जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।